छोटी दिवाली की बात करते हैं और छोटी दिवाली के बारे में मैं आपको कुछ बहुत विशेष बात बताना चाह रहा हूं। पहले उसको सुने, उसके बाद कब क्या पूजा करनी है वह मैं आपको बताऊंगा। छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहते हैं, काली चतुर्दशी भी कहते हैं और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझिए। नेपाल के दक्षिणी हिस्से में एक दैत्य था नरकासुर। ये बहुत आताताई था, और बड़ा बली था। अब चूंकि मैंने इसके लिए शब्द असुर का इस्तेमाल किया है तो आप देखिएगा सूडो इंटेलेक्चुअल शोर मचाने लगेंगे कि एक स्त्री जो ब्राह्मण थी, जो सवर्ण थी, जो आर्या थी, क्या क्या बोलेंगे, उससे जो मूल निवासी है उसको मरवा दिया गया। लोगों को कथाएं पता नहीं होती, इतिहास का पता नहीं होता, वह हर चीज़ को पॉलिटिकल यूज़ में लेके आते हैं, पॉलिटिकल नोशंस बनाते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाते हैं। त्यौहार में सब लोगों को मिलजुल कर सब कुछ बैर भाव बुलाकर खूब आनंद लेना चाहिए। कथा आगे बढ़ाता हूं। तो ये जो नरकासुर था इसके पास प्रयाग ज्योतिषपुर नाम था, स्वख्त नेपाल का पौराणिक कथाओं में जितना आता है, इसके पास 16,108 स्त्रियां थी जिन्हें इसने कब्जा रखा था, अधर्म फैला दिया था पूरी तरह। अब श्री कृष्ण आते हैं जो अधर्म को बर्दाश्त नहीं करते। श्री कृष्ण से उनकी पत्नी सत्यभामा ने कहा, आप नरकासुर का वध क्यों नहीं करते हैं? श्री कृष्ण देखे कितना विराट स्वरूप, क्या विराट चिंतन है। उन्होंने कहा स्त्रियों की समस्याएं हैं तो स्त्रियां क्यों खड़ी नहीं होती, चलो तुम्हारे रथ का सारथी मैं हूं, मैं तुम्हें जितना मैं जानता हूं बताता रहूंगा, लेकिन नरकासुर का वध तुम्हें करना है और अपनी सखियों को या इस धरती के अन्य स्त्रियों को उससे मुक्त कराना है। सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया। भाई जिसके साथ श्री कृष्ण होंगे वह कभी कहीं युद्ध हारेगा? वो भी धर्म युद्ध में वो हारेगा। अब इन 16,108 रानियों के सामने समस्या यह थी, इन स्त्रियों के सामने समस्या यह थी कि ये जाए तो जाए कहां, इनका समाज इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। और आज भी ऐसा होता है ना, बलात्कार करता है पुरुष, सजा भुगतती है स्त्री, जेल भी जाए पुरुष तब भी सामाजिक सजा वह स्त्री भुगतती है। पुरुष कि गलती से संतान उत्पन्न होती है, उसे अवैध कहा जाता है। संतान अवैध कैसे होती है? खैर उस वक्त भी यह स्थिति थी। तो श्री कृष्ण ने उन 16,108 स्त्रियों को अपने राज्य में, जहां का वह राजकाज संभालते थे, यद्यपि राजा नहीं थे वो, वह जहां का राजकाज संभालते थे, फेडरल सिस्टम का एस्टैब्लिश किया था उन्होंने, तो वह द्वारका ले गए और इनको वहां पर उन्हीं मान सम्मान के साथ जिसकी वो हकदार थी वैसा उन्होंने उनको आश्रय दिया। ये श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, कृपया बाज आए, झूठी कथाएं सुनाकर भगवान के चरित्र को कमजोर ना करें। 16,000 रानियां नहीं है, 16,000 पत्नियां नहीं है, ये वो स्त्रियां हैं जिन्हें नरक चतुर्दशी के दिन या रूप चतुर्दशी के दिन या काली चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके श्री कृष्ण ने द्वारका में पुनर्स्थापित किया था, रिहैबिलिटेट किया था। इसलिए ये नरक चतुर्दशी पर श्री कृष्ण की विशेष रूप से उपासना की जाती है। आप भी करेंगे, कब करेंगे यह भी मैं बताता हूं, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद आप श्री कृष्ण की उपासना जरूर करेंगे। और इसका एक बहुत विशेष मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, एक माला इसकी जपिएगा। श्री कृष्ण की यदि पूजा करनी है तो उनके उस रूप की पूजा कीजिए जो योगेश्वर रूप है, उस रूप की पूजा कीजिए जो धर्म की स्थापना करने वाला रूप है, वो रूप बताइए जो वास्तविक है, वो रूप बच्चों को बताइए जो वास्तविक है। उसके बाद उनका भगवान श्री कृष्ण में विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, इस देश की संस्कृति में आस्था बढ़ेगी, नहीं तो वह अपने चरित्र से पतित होंगे और भगवान का नाम लेंगे। जो झूठी माटी कथाएं हम उन्हें सुनाते हैं उससे हम सब लोगों को परहेज करना चाहिए। यह है नरक चतुर्दशी की सच्चाई। अब आपको क्या करना है यह सुनिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने के उपरांत आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि यह दिन हनुमान जयंती का भी होता है, यद्यपि दो दिन होते हैं,
लेकिन ये दिन विशेष रूप से हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है और हनुमान जी की पूजा इस दिन करनी चाहिए। कैसे करेंगे? किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सारी रात जप कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया तो रहता है, जो मुझे बहुत भाता है और मैं सबको करने के लिए निवेदन करता हूं, वो है सुंदर कांड का पाठ। आश्रम में भी होगा, आप फेसबुक के माध्यम से लाइव उसका आनंद ले सकते हैं, आश्रम पधार कर भी सुंदरकांड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन हनुमान जयंती अवश्य मनाइएगा। अब क्या करना है? द्वार पर अनाज, द्वार पर दो दीप, ये प्रज्वलित करने हैं, द्वार पूजन करना है, घर भर में सुगंध होनी चाहिए, और जो भी पकवान मिष्ठान हो पहले आप लोगों को खिलावें, खास तौर से उन लोगों को खिलावें जो असहाय हैं, जिनके घर में त्योहार नहीं मन पा रहा है किसी कारणवश, उनके यहाँ वह मिठाई लेकर जावें, निवेदन करें और वो मिठाई और भोजन पहले उन्हें खिलावें। इसमें आप बेसन की मिठाई ज़रूर रखिएगा और मिश्री ज़रूर रखिएगा, मक्खन ज़रूर रखिएगा, बाकी जो इच्छा हो वह रखिएगा। और यह पूजन आपको कब करना है ये अब मैं बताता हूँ। लिखिए, सुबह आपको स्नान करना है, किस जल से? जो जल रात में मिट्टी के बर्तन में आप भर के रखेंगे, करवा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उससे स्नान करना। और स्नान का समय है सुबह को 6:34 से 7:57 तक, ठीक है, इस समय आपको यह स्नान अवश्य करना है, यह इसकी प्रमुख पूजा है। उसके बाद शाम को आपने 4:12 से 5:34 के बीच स्नान करके, यदि वही जल मिल जाए तो अच्छा है, स्नान करके फिर दीप जलाने हैं और अनाज रखना है, और उसके साथ साथ आपने लोगों को भोजन देना है। श्री कृष्ण और हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी है, और हनुमान जी की उपासना के लिए आप आश्रम के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आश्रम के फेसबुक पेज पर यदि आप जुड़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत देर तक संपूर्ण पूजा आपको दिखा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लोगों को अधिक से अधिक ये मुहूर्त और ये कथा पहुँचानी है, भगवान के लिए पहुँचानी है, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए पहुँचानी है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली के इस दूसरे दिवस पर। राम राम। दीपावली के बाकी पर्वों पर इससे अधिक जानने के लिए आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर डिटेल से जो मैंने बोला है उसे सुनिए, समझिए। और एक छोटा सा निवेदन है सबको, अपने जितने जानने वाले लोग हों अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप जाइए पवन सिन्हा गुरुजी YouTube पर टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा।